strength as you see that is today our topic that plant tissue and its different type so we are going to discuss what is the plant tissue and what are the different type of plant tissue have okay so let's start so as you see first this is the definition of plant tissue what is this this is the definition of plant tissue how we define Plant tissue is the definition. So, how we define plant tissue? The different types of tissue that present in plant are known as plant tissue. That means jo different matlab, alag -alag jo tissues pay. So suppose there is a plant. Okay. So in this plant, the different type of tissues the present in, in the plant. This different type of tissue is known as plant tissue. तो सिंपल बात यह है कि जो प्लांट्स uh, में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्लांट टिश्यू कहते हैं ओके अंडरस्टूड नाउ दे यू सी दे दे आर सपोर्टिव एंड दे डू नॉट कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म यस दैट मींस ये सपोर्ट सपोर्ट करते हैं प्लांट टिश्यू okay? yes, क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं दे आर सपोर्टिव एंड इसके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है राइट right? चलिए तो आपको समझ में आए कि प्लांट टिश्यू क्या है और कहाँ पाया जाता है चलिए नाउ लेट्स वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एज द बेस ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी मतलब एक टिश्यू जो डिवाइड होगा या नहीं होगा ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑन द डिवीजन सॉरी ऑन द डिवीजन कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू

चलिए देखते हैं देखिए वाला चार्ट है जिसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि फर्स्ट टिश्यू टिश्यू टू पार्ट्स प्लांट टिश्यू टिश्यू एंड एनिमल सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली प्लांट टिश्यू ओके सो तो प्लांट टिश्यू अगर बात करते हैं तो दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजन कौन डिवाइड कर सकता है कौन टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकता है सो फर्स्ट वन इज ए मेस्टमेटिक टिश्यू एंड अदर वन इज ए टिश्यू अंडरस्टूड नाउ पर्मा टिश्यू आर दोज नॉट एबल टू डिवाइड ठीक है दैट इज वो पर्मांट होते हैं परेंगे इसके बाद में लेकिन आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ठीक है तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है ये कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि टिश्यू दो तरह के होते हैं देर इज अ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू एंड द प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन ओके कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन दे आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू फर्स्ट वन मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड अदर वन इज ए परमानेंट टिश्यू फर्दर मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स एपिकल Lateral and intercalary meristematic tissue. Okay, and the permanent tissue, as you see, there are two type only, simple and complex. Okay, these are the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and xylem and phloem. These are the complex tissue. So we are not going to discuss the permanent uh, tissue in this uh, in this video. We are going to discuss the meristematic tissue and the different type of meristematic tissue. सो आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए स्टार्ट करते हैं मैस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है एज यू सी लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन मैस्टमेटिक टिश्यू सो हाउ वी डिफाइन इट सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू मैस्मेटिक टिश्यू इज द प्लांट टिश्यू दैट एज एबिलिटी टू डिवाइड कैपेसिटी और डिवाइड एक्टिविटी थ्रू आउट इट्स लाइफ मतलब यानी मेस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो थ्रू आउट हिज लाइफ राइट थ्रू आउट ऑफ हिस्स लाइफ दे आर दे आर हैव टू कैपेसिटी और दे आर एक्टिव टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ दैट मीन्स ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं डिवाइड होते रहते हैं वन वन टिश्यू से दो राइट right? फिर दो से चार इस तरह से ये डिवाइड होते रहते हैं दैट मीन्स ग्रो कराते रहते हैं दे बेसिकली क्या करते हैं प्लांट जो आप देखते हो ग्रो करता है एक प्लांट छोटा प्लांट होता है छोटा प्लांट से बड़ा प्लांट बन जाता है राइट right? या फिर पतला जो रहता है जिसकी डायमीटर कम रहता है ये चौड़ा होता है जाता है इस तरह से मोटा होता है जाता है प्लांट राइट right? तो प्लांट का लेंथ uh, वाइज और ये डायमीटर वाइज जो इंक्रीज़ होता है वो मेस्टमेटिक टिश्यू की वजह से होता है राइट समझ में आया सो कैसे डिफाइन करेंगे हाउ वी डिफाइन फर्स्ट वन वंस अगेन रिपीट इट मैथमेटिक टिश्यू हाउ वी डिफाइन हाउवेटिक टिश्यूज इज द प्लांट टिश्यू तो टिश्यू एक प्लांट टिश्यू है कौन सा प्लांट टिश्यू दैट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट इट्स लाइफ दैट इज नोन एज मैथमेटिक टिश्यू सो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट होगा यू कैन इनबॉक्स मी आई विल क्लियरली आंसर ओके सो Next, we move to the different type of. Before that, we are discuss the characteristics of mesmeric tissue. Okay, so what are the characteristics of mesmeric tissue? Let's start. As I as you see, in the first, that is the characteristics of the mesmeric tissue. What is this first one? I have written here. Like you, as you see, there are the different types of, sorry.

वो सेल्स क्या होते हैं यंग होते हैं और थ्रू आउट दे आर एबल टू डिवाइड दम सेल्फ ओके नाउ द सेकेंड एज यू सी द मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैज द क्वालिटी टू सेल्फ रिन्यूअल व्हाट डज इट मीन सेल्फ रिन्यूअल मतलब अपने आप से फिर से रिन्यू हो जाते हैं जैसे एक हवा एक से दो राइट right? तो रिन्यू हो जाता है तो ये अपने आप होता है एवरी टाइम द सेल डिवाइड टिकल टू द पेरेंट सेल एंड दर फ्रॉम द स्पेसलाइज स्ट्रक्चर तो मैंने क्या बताया कि एक सेल मेस्टमेटिक सेल्स यानी मेरे टिश्यू मेजर सेल्स हैं वो क्या है मेस्टमेटिक सेल्स एक तो जैसे पेरेंट दो, दो बनते हैं राइट ऐसे दो बन रहे हैं तो एक जो है वो इस अपने पेरेंट से क्या करता है सेम माने से बिलोंग्स करता है सारा कैरेक्टिविटीज अपने पेरेंट्स से, प्रें से बिलोंग करता है और एक जो है वो स्पेशलाइज हो जाता है किसी एक काम में समझ में आया राइट ओके तो ये है मेस्टमेटिक का एक कैरेक्टर्स ओके चलिए थर्ड कैरेक्टर पढ़ते हैं दे हैव हाँ वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ठीक है इनके बीच ये जो कनेक्ट या देखो कोई वैक्यूल्स नहीं है दे आर क्लोजली पैक्ट ओके, सो दे हैव वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत कम होते हैं या बहुत छोटे होते हैं पाए नहीं जाते हैं राइट right? और पाए जाने से भी दे आर वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स नाउ द फोर्थ वन एज यू सी द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लिविंग एंड थिन वॉल्ड ये जो टिश्यू है ये लिविंग है नॉन लिविंग नहीं है लिविंग है तभी तो ये दे आर एबल टू केपेबल टू डिवाइड राइट right? अगर लिविंग नहीं रहते नॉन लिविंग रहते तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट राइट सो दे वो कर पाते हैं यानी एक एक टिश्यू डिवाइड हो सकता है डिवीजन हो सकता है दैट मींस दे हैव लिविंग ओके और इनके वॉल ये जो वॉल दिख रहा है आपको ये कैसे होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं राइट right? समझ में रहा बच्चों चलो तो फिफ्थ वन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज वेरी डेंस ये दिख रहा है आपको प्रोटोप्लाज्म ये बहुत घने होते हैं ठीक है ठीक है तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत घना होता है डेंस होता है नेक्स्ट वन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू हील दूम्स ऑफ एन इंजर्ड प्लांट्स आप देखते हो कि जो प्लांट्स हैं वो जो इंजरी हो जाता है प्लांट का जैसे बाघ छिल जाता है पत्ते कट जाते हैं ठीक है थीके? तो वो जो आ, क्या बोलते हैं प्लांट जो किसी वजह से इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई कर देता है उसको तो वो इंजरी को जो ओवरकम करता है only ओनली थ्रू द मेरिस्टमेटिक टिश्यू राइटमाया चलिए chaliye next one the cell of the meristematic tissue are young and immature. जैसे मैंने maine बताया था कि ki जो cell आप दिख रहा है ये cell क्या होते हैं young होते हैं और इमेच्योर होते हैं कभी मैच्योर नहीं होंगे जैसे ही ये मेच्योर हो जाएंगे दे आर नॉट एबल टू डिवाइड देम सेल्व सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यंग एंड इमेच्योर एंड लास्ट वन जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा हल्का सा दिखेगा आपको ठीक है सो दे डू नॉट स्टोर फूड वो क्या करते हैं इनके अंदर कोई स्टोर सॉरी फूड कोई स्टोर नहीं रहता है ठीक है तो जैसा आप देख रहा है दिख रहा है आपको कि ये सेल वॉल है जो बहुत थिन होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होते हैं और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का बड़ा सा वो क्या होता है न्यूक्लियस होता है सो दिस आर द डिफरेंट पार्ट एंड डिफरेंट कैरे कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी फाउंड इन अ अस्टमेटिक टिश्यू आई होप आपको ये समझ में आया होगा और उसके पहले देखिए मैं और एक चीज़ बताना यहाँ पे मैं लिख के रखाऊँ आप लोगों के लिए कि हु डिस्कवर द मेरेस्टमेटिक टिश्यू मेरेस्मेटिक टिश्यू को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया यानी प्लांट में इसको किसने देखा राइट तो ये जो है एक जूलॉजी थे जूलॉजिस्ट बोलेंगे हम जिनका नाम था कार्ल कार्ल विल हेल्प वॉन नैगली ओके सो इन्होंने सबसे पहले मैरेस्टमेटिक टिश्यू का क्या किया था तो आ, पता लगाया था या इन्होंने इनका पता लगा के उनका नामकरण किया था राइट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि यह पा पाया कहाँ जाता है वेयर डज इट ऑकर इन प्लांट तो बेसिकली ये तो प्लांट में पाया जाता है क्योंकि ये प्लांट टिश्यू है लेकिन प्लांट टिश्यू कहाँ पाया था प्लांट में कहाँ पाया था राइट सो एज यू सी द ऑकुरेंस सो दैट इज अवरेंस ऑफ मेस्टमेटिक टिशू तो मेस्टमेटिक टिशू जो है आर ग्रोथ टिश्यू कैसा टिश्यू है ग्रोथ टिश्यू है ठीक है इसी की वजह से क्या होता है प्लांट में ग्रोथ होता है चाहे वो लेटरल हो या लेंथवाइज हो एंड आर अ फाउंड द ग्रोइंग रीजन्स ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स प्लांट के जो ग्रोइंग रीजन है उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं तो बच्चों ग्रोइंग रीजन कहाँ मिलता है ग्रोइंग रीजन जैसे रूट हो गया राइट रूट हो गया सूट हो गया राइट right? लीप्स हो गए राइट right? तो ये सब जो ग्रोइंग रीजन है यहाँ पे बर्ड्स हो गए कली कलियाँ जो होती हैं ठीक है ठीके? तो उन सब चीजों में यहाँ पे हमें क्या मिलता है मैस्टेमेटिक टिश्यू ही पाया जाता है राइट right बच्चों समझ में आया चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कितने तरह के मैस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं राइट सो एज यू सी इन स्किन देर डिफरेंट टाइप ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मेरसमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू देअर वो देयर पोजिशन ऑफ दे आर फॉलोड मतलब वो कहाँ पर आ जाते हैं इसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि वो कहाँ पर आ जाते हैं पोजिशन के ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन उनका पोजिशन कहाँ है यानी प्लांट में वो कहाँ रहते हैं उसके आधार पर मेस्टमेटिक टिश्यू के थ्री पार्ट हैं नंबर वन एपिकल मेरिस्टमेटिक नंबर टू लैटरल मेरिस्टमेटिक एंड नंबर थ्री इंटर कैलोरी मेरिस्टमेटिक तो ये तीन बेसिकली मेरिस्टमेटिक टिश्यू हैं जो क्या है पोजीशन के आधार पे पाए जाते हैं तो देखिए मैंने यहाँ फिगर में लिख के रखा है देखिए एपिकल एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू राइट तो ये कहाँ पाया जाता है एट द टिप रीजन ऑफ रूट एंड शूट ये जो रूट होता है तो यहाँ तो मैं दिखा नहीं पाया हूँ तो रूट के सॉरी uh, जरों के सबसे uh, क्या बोलते हैं टिप पर पाया जाता है अगले और यहाँ पे एपिकल जो दिख रहा है आपको ये कहाँ पाया जाता है जैसे मैंने बताया अभी रूट और शूट और लीव्स जो हैं उसके टिप पे पाए जाते हैं ठीक है मतलब अपर पोर्शन में जो होता है ग्रोइंग रीजन ऑफर ऊपर वाला ठीक है इसमें पाए जाते हैं ठीक है चाहे वो लीव्स हो जैसे ये पत्ता हो गया ठीक है सॉरी ये पत्ता हो गया तो ये जो ग्रोइंग रीजन है इसका ये सब में ये पाया जाएगा राइट ठीक है और पौधा है तो पौधा के इस पार्ट पे पाया जाएगा समझ में आ रहा है कहाँ पाया पाया जाएगा एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट ऑन द रीजन टिप रीजन टिप रीजन ऑफ रूट हो ठीक है सूट हो या फिर कोई लीव्स हो वहां पे क्या पाया जाता है एपिकल मेरे मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाया जाता है राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप का पढ़ लेते हैं कि लेटरल मैस्टमेटिक टिश्यू तो देखिए लेट्रल मैस्टोमेटिक टिश्यू ये नीचे दिख रहा है आपको ये वाला तो ये क्या होते हैं ये मैस्टमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली जितने वुडी जो वुडी प्लांट्स होते हैं ठीक है उनमें ये देखिए एक दूसरे से पैरल एक दूसरे क्या है पैरल आप जानते हो ना एक लाइन जब दूसरे लाइन से मैथ्स में पढ़े हो है ना एक लाइन और दो लाइन के बीच की दूरी जब कभी क्या होती है कम नहीं होती है मतलब सेम रहती है वापस में जब कहीं नहीं मिलते हैं, तो वो दो लाइन क्या होते हैं पैरेलल होते हैं ठीक है तो यहां भी आप देखिए आपको दिखाई देगा ये देखिए ये वाला और ये वाला ये जो है ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये ही क्या है लैटरल है ठीक है लैटरल होते हैं तो देखिए आपको एक बात बता देता हूं कि ये लेट्रल जो क्या होता ना है ना ये डायमीटर जैसे प्लांट इतना चौड़ा रहता है ठीक है फिर देखिए कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे चौरा हो जाता है तो ये जो डायमीटर ये जो इंक्रीज़ होता है इसका डायमीटर ठीक है ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है तो ये डायमीटर इंक्रीज़ करता है चौड़ाई बढ़ती है मोटाई बढ़ता है ठीक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है लेटरल में के ऊपर डिपेंड करता तो है ठीक है और उसके ऊपर जो एपिकल था एपिकल क्या करता है लेंथ वाइज ठीक है प्लांट छोटा रहता है उसको लंबा करता है और उनके जड़ों को नीचे जमीन के नीचे ले जाता है तो ये सब क्या करता है एपिकल में क्या करता है ग्रोथ कराता है ग्रोथ कराता है कैसा ग्रोथ वाइज और लैटरल क्या करता है लेचुरली मतलब आ, मोटा माने क्या बोलते हैं चौड़ा करता रहता है ठीक है और इंटर कैलरी जो है थर्ड वाला इंटर कैलरी क्या है तो जो सॉरी इंटर नोट्स या फिर बेस ये देखिए ये वाला इंटर ये वाला दिख रहा है ये वाला तो जो क्या बोले जो इंटर नोड्स या बेस ऑफ द लीप्स के ये लीप्स है लीप्स के बेस में पाया जा रहा है या फिर इंटर नोड के बीच में पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं इंटर कैलरी मेस्टोमेटिक टिश्यू कहते हैं राइट तो ये है द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैस्टोमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन ठीक है चलिए तो आपको समझ में आया मैं जस्ट एक डेफिनेशन आपको दे देता हूं ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो जैसा आपको दिख रहा है ये डेफिनेशन है किसका किसका तो जो थ्री टाइप ऑफ जो टिश्यू हम लोग अभी भरे थे सॉरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू उसके बारे में एपिकल लैटरल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स तो देखिए आपको दिख रहा होगा एपिकल मेरिस्टेम्स मैंने लिख के रखा है द मेरिस्टेम्स विच आर प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ रूट शूट एंड लीब्स आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टिम ठीक है यहां पर एक चीज मिस है कि द मेरिस्टमैटिक विच आर प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ ग्रोइंग रीजन, रीजन. यहाँ पे क्या होगा ग्रोइंग यहाँ पे क्या लिखोगे आप ग्रोइंग जी आर ओ डब्ल्यू आई एन जी ठीक है ग्रोइंग रीजन मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ मिस्टेक हो गया है तो आप इसको करेक्शन कर लोगे क्या लिखोगे द मेरिस्टमेटिक द मेरिस्टेम्स विच आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट शूट एंड लीब्स आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम्स ओके नाउ सेकेंड वन एज यू सी लैचुरल मेरिस्टेम्स सो मेरिस्टेम्स विच आर फाउंड इन ऑल वुडी प्लांट्स एंड अरेंज पैरल टू द साइड ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड लेटुरल मेरिस्टेम्स ठीक है तो मैंने अभी बताया था पीछे आप, आपको ड्राॅइंग में सारा समझा दिया था ये जस्ट डेफिनेशन है ताकि आपको अगर कोई पूछे तो आप

चलिए थर्ड जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स है वो क्या है द मेरिस्टेम्स विच आर लोकेटेड एट द बेस और नोड्स ऑफ द लीव्स कहाँ है देखो ध्यान रखो बेस या फिर इंटरनेट लीव्स inter के बेस पे या फिर नोड जो होते हैं वहाँ पे जो मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स राइट बच्चों तो ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज प्लांट टिश्यू बेसिकली प्लांट टिश्यू का पहला वाला जिसे हम क्या कहते थे मेरिस्टेम्स ठीक है और दूसरा तरह का जो टिश्यू है प्लांट टिश्यू उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू थैंक यू फॉर द वॉचिंग